हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी से, ठीक है, क्लास 12 का। अभी तक हमने उसमें से जो था डिजीज़ क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज हम एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने डिस्कस करा था कि इम्यूनिटी कितनी टाइप्स की होती है। उसमें हमने इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमें मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम अपने लाइफ टाइम में लेते हैं, यानी हमें कोई डिजीज होती है और हम बाहर से वो इम्यूनिटी जो है अपने अंदर डिवेलप करते हैं, तो वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। आगे जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये डेवलप होती है किसी इंडिविजुअल में बाय ओन सेल इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और ए वैक्सीन। यानी कि उस पर्सन को उसके लाइफ टाइम में अगर कोई डिजीज, जैसे स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, अगर वो हो जाती है, तो एक बार अगर किसी स्मॉल पॉक्स हो जाए तो वो दोबारा नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अपने ही सेल जो है इस इम्यूनिटी को डेवलप कर लेंगे, या फिर वैक्सीन के थ्रू ये डेवलप हो जाएगी। सेकेंडली, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो है ये एक रेडीमेड एंटीबॉडीज है जो बाहर से हमारी बॉडी में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है थ्रू वैक्सीन, या मतलब कि बाहर से अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है इंट्रोड्यूस करवाई जाए, तो वो हमारी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। लेकिन इसमें जो है रिएक्शन हो सकता है, यानी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है ये स्लो रिस्पॉन्स करती है धीरे धीरे, और ये लंबे समय तक, मतलब कि इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एकदम से अफेक्ट करती है, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है, लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी थोड़े समय के बाद दोबारा से एंटीबॉडीज हमें जो है वो बाहर से लेनी पड़ेगी, ओके। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो फर्स्ट थी हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई पैथोजन नेचर से हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, और हमारे सेल्स जो हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये किस तरह से डिवेलप होती है, बाय हैविंग द डिजीज। जैसे कि अगर किसी को डिजीज हो गई है, चिकन पॉक्स हो गया है, मिसल्स हो गए हैं, मम्स हो गए हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी खुद ब खुद जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी जो कि उस डिजीज के साथ लड़ेंगी। और दूसरी बात कि ये जो है अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, कि ये मेमोरी में स्टोर करके रख लेंगे कि ये जो पैथोजन आया था और हमारी बॉडी ने उसके लिए कैसे वर्क करा था, तो इसके मेमोरी सेल्स में ये स्टोर हो जाता है अगर दोबारा से जो पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, ठीक है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी उसके लिए करती है, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, ठीक है। By having subclinical infection, तो इसमें 7 वैक्सीन जो है जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो दी जाती है अगेंस्ट द पोलियो, ठीक है, और by having killed माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो killed के लिए साल्क वैक्सीन जो है वो पोलियो के अगेंस्ट दी जाती है। आपने सुना होगा कि जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, छोटे इन्फेंट से, ठीक है, तो उनको जो है ये वैक्सीन दी जाती है बचपन में, तो ओवरऑल उनको ये इन्फेक्शन जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है, यानी कि ये पूरे लाइफ के लिए उनको पोलियो से बचा के रखता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सेकेंड है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी, इसे हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाहर से एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। इसमें जो पहले से ही इन्फेक्शियस पर्सन है, जो कि जिसके अंदर कोई पैथोजन एंटर कर गया है, तो उसकी बॉडी ने क्या किया होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की होती हैं, ठीक है,
तो इसमें वो एंटीबॉडीज जो है ह्यूमन के या एनिमल के सीरम से, यानी उस इन्फेक्टेड पर्सन से जो ठीक हो चुका है उस बीमारी से या डिजीज से, तो वहाँ से जो है वो एंटीबॉडीज लेके दूसरे पर्सन को जो अभी इन्फेक्शन जिसे कोज हुआ है उसमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जिससे कि पैसिव इम्यूनिटी उसको मिल सके। ठीक है, तो इसमें जो हेपेटाइटिस है, रैबिस है, मिसल्स है, मम्प्स है, ठीक है, तो इन तरह की जो डिजीज है उसके लिए पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, मेनली जो इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो एंटीबॉडीज होती हैं दैट इज गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। ठीक है, और जो डेवलपिंग फोइटस होता है प्लासेंटा के थ्रू, उसे जो है IgG, ठीक है, IgG, और जो हमारे पास जो दूध पिलाती है मदर्स अपने बच्चे को, तो क्लोस्ट्रम जो होता है, ठीक है, तो उसमें से मेनली जो है IgA एंटीबॉडीज जो है उस इन्फेंट में इंट्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है ये पैसिव इम्यूनिटी थोड़े टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी होती है, लंबे समय तक इसका असर जो है वो नहीं रहता है। ओके, सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो 5 टाइप एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आती है IgG, ठीक है, IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, G फॉर गामा, ठीक है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। ठीक है, आप इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, दैट इज गेम्ड, ठीक है, जी फॉर गामा, ए फॉर अल्फा, एम फॉर म्यू एप्सिलॉन एंड डी फॉर डेल्टा। ओके, तो आइए बारी बारी जो है हम इन सभी को ही डिस्कस करते। सो गाइस, फर्स्ट एंटीबॉडी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी IgG, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। ठीक है, ये सबसे मोस्ट अवंडेंट जो ह्यूमन सीरम में एंटीबॉडी पाई जाती है वो IgG ही है। ठीक है, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ह्यूमन सीरम, और इसकी 4 सब क्लासेस हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, ठीक है, और ये जो है मेजर ह्यूमोरल लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी सीरम में, ब्लड में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, और ये डिफेंस सिस्टम में आती है, ये हमारे सेकेंडरी रिस्पॉन्स में वर्क करती है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन्स को और वायरसेस को, जो जैसे कि इनवेल्प्ड में है या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो जो कैप्सुलेटेड होते हैं तो उनकी लाइसिस करती हैं ये। ठीक है, और ये इकलौती, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर कि ये इकलौती मेटरनल IG है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो मदर से जो है फीटस में जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये ऐसी जो हमारे पास एंटीबॉडी है IgG, जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा में जो है वो एंटर कर जाती है, यानी उसको पास थ्रू कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द RH फैक्टर इनकॉम्पेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मदर का ब्लड जो है वो उसका RH फैक्टर जो है वो नेगेटिव है, और जो बेबी है उसका फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे भी जो है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो गाइस, सेकेंड जो हमारी एंटीबॉडी है वो है IgA, यानी अल्फा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ये जो है प्रेजेंट होती है प्राइमली एज मोनोमर, जो हमने पिछली IgG जो हमने गामा पढ़ा वो भी हमारे पास मोनोमर ही थी। ठीक है, लेकिन जब ये म्यूकस सेक्रीशंस में प्रेजेंट होती है तो एग्जिस्ट करती है एज ए डाइमर। ठीक है, और इसे हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि मेनली हमारे सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, यानी हमारी जो बॉडी सिक्रीशंस होंगी जैसे कि सलाइबा हो गया, सीमेन हो गया, क्लोस्ट्रम जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जितनी भी हैं हमारी बॉडी में उन सभी में ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो क्योंकि हाँ, जैसे बक्कल कैविटी है जो हमारा नोज से जो हमारा मतलब नेजल रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उन सभी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत प्रेजेंट है, तो मेजर रोल है इसका प्रोटेक्टिंग सरफेस टिश्यू इन रेस्पिरेटरी ट्रैक,
इंटेस्टाइन और यूरोजेनाइटल सिस्टम अगेंस्ट द इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनहेल कर लेते हैं या इंजेस्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो ये एंटीबॉडी IgA है, अल्फा है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट दैट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये एक्सक्रीट हो जाती है हमारी बॉडी से थ्रू फीसेस, इसीलिए हम इसको कोप्रो एंटीबॉडी भी कहते हैं। ओके गाइस, थर्ड एंटीबॉडी है IgE, ठीक है। IgE जो है ये भी एक मोनोमर ही है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होती है जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी यानी एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी के केस में जो है ये रिलीज होती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है सॉरी। और ये जो ह्यूमन सीरम है उसमें ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हमारे पास बेसोफिल और मॉस्ट सेल है उनमें ये सेल्स के साथ अटैच्ड फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है। और जब इन सेल्स में क्या हो जाता है कि इनमें बाइंडिंग हो जाती है ड्यू टू सम एंटीजन, ठीक है, क्रॉस बाइंडिंग हो जाए, तो उस टाइम पे इनमें से जो एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज हिस्टामिन। ओके गाइस, हमारी जो फोर्थ एंटीबॉडी है दैट इज IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, ठीक है। ये जो है हैवीएस्ट जो है एंटीबॉडी है हमारी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो 5 रिंग स्ट्रक्चर 5 वाइज जो है रिंग स्ट्रक्चर में जो है इसके जो आगे हम स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज की वो डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये पेंटामर है, 5 जो 22 स्ट्रक्चर्स है इसमें अटैच्ड होती हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी है तो लार्जेस्ट इन साइज है, इसलिए हम इसको मैक्रोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसमें ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होती है थ्रू द ABO, यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप में जब इनकॉम्पेबिलिटी आ जाती है तब ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं लास्ट एंटीबॉडी के बारे में। हमारी लास्ट एंटीबॉडी है IgG, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, ठीक है। और ये जो है ट्रेस अमाउंट में जो है ह्यूमन सीरम में प्रेजेंट होती है, कई बार ये जो सरफेस है बी लिम्फोसाइट्स का उसके साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका कोई वेल नोन फंक्शन अभी तक जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी 5 एंटीबॉडीज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट इस पे जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।